नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनदीप गौतम। इस समय हमारे साथ चंडीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो जनरल समाज पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार जी, वो मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। मैं सतीश कुमार जनरल समाज पार्टी से इलेक्शन के विरोध में चुनाव लड़ रहा हूं। तो और किन मुद्दों को लेकर सर आप इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हमारे मेन मुद्दे जो नेशनल मुद्दे हैं, एक तो रक्षण का है, दूसरा पोल टैक्स का है और फ्री एजुकेशन। सरकार कहती है फ्री एजुकेशन है लेकिन उसका इतना बुरा हाल हो चुका है, उसको सुधारेंगे। और प्राइवेट स्कूल में जो फीसें हैं हर चीज के लिए, वो फीस चलती आ रही है, उसको कम से लागू कराएंगे। और तो चुनाव चिन्ह आपने रखा है अपना फुटबॉल, फुटबॉल ही क्यों सर? फुटबॉल एक बहुत अच्छा है, जैसे आजकल युवाओं का पसंदीदा खेल बन चुका है। आजकल क्रिकेट से भी ज्यादा जो आजकल का जो है फुटबॉल का मैच देखते हैं, जैसे इंटरनेशनल रहते हैं। हमारे इंडिया में तो फुटबॉल को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, हम इसको भी बढ़ावा देंगे। अभी मेरे पास एक फोन भी आया था 27 सेक्टर से, वो भी कह रहे थे आप इसको बढ़ावा दो, तो मैंने उनको कहा था इसको फुटबॉल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपने एक अपने टेम्पलेट्स में एक लाइन लिखी है कि डिग्री लेकर रिक्शा खींची आज युवा बाजारों में, अनपढ़ नेता दौरे पर है महंगी महंगी कारों में, ये लाइन क्यों लिखी सर आपने? आजकल के जमाने में जो रक्षण की वजह से जो युवा है उसको जॉब नहीं मिल रही, उसको पेट भरने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने बहुत सारे ऑटो रिक्शा वालों से बात करी, रिक्शा वालों से बात करी, जो बीए बीएड और पता नहीं कितनी कितनी क्वालिफिकेशन लेके रिक्शा चला रहे, क्योंकि उनको गुजारा तो करना ही है, घर का पेट भी भरना है। हमारे एक कोचिंग सेंटर खोला तनाज में, वहां पे एक मैडम है उसमें काम कर रही है, कोचिंग सेंटर खोला हमने, उसकी क्वालिफिकेशन SC ST की मैडम है, वो MBA BEd लेकिन 5000 में वहां पे काम कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि आरक्षण की वजह से हुआ है, वो आरक्षण रक्षित होते हुए भी उसको ऐसे बता नहीं जॉब मिल रही। ये सिर्फ आरक्षण जो है दिखावे के लिए, असल में जो जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा। जो पहले आरक्षण ले चुके हैं, ऑफिसर बन चुके हैं, वह आरक्षण वहीं तक घूम रहा है। तो हम चाहते हैं जो आरक्षण गरीब है या जो पढ़ा लिखा है बच्चा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको आरक्षण उसको मिलना चाहिए, ना कि जो अब ले चुके हैं। अब जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो भी आरक्षण के कोटे से राष्ट्रपति बने हैं, उनको क्या डिमांड है? रामविलास पासवान जी हैं या और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अरबों रुपए के मालिक हैं, फिर भी वो आरक्षण से कहते हैं वो आरक्षण से तो आरक्षण को नीचे तक लेके आना चाहिए। अगर वो जो जैसे लोकसभा की सीटें हैं रिजर्व सीटों से लड़ते हैं, उनके पास किस चीज की कमी है? अगर उन्होंने देश को ऊपर उठाना ही है, अपने SC ST को ऊपर उठाना ही है, तो क्यों ना नए चेहरे आगे लेते हैं, ताकि उनका ही भला हो। तो भला ले ही चुके हैं, उनके बारे में उनको सोचना चाहिए, ताकि सभी को इस आरक्षण का लाभ मिल सके। आरक्षण तो ऊपर ऊपर जा रहा है चित्र जिला, बाकी रहा टोल टैक्स का। टोल टैक्स जब हम रोड टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी पे टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे हम टैक्स दे रहे हैं, जैसे फिर रोड टैक्स क्यों, टोल टैक्स क्यों? टोल टैक्स भी एक हमारे ऊपर एक ऐसे ही बोझ डाल चुके हैं हर नागरिक के ऊपर। अब दिल्ली में जा, अब चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में 4-5 टोल टैक्स आ रहे हैं, इसको लगे हुए मेरा ख्याल 2003-04 से लगे हैं, 16 साल हो गए उसका, अब का पैसा पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी टोल टैक्स चल रहा है। करोड़ों रुपया सरकार एक लोगों से ठग रही है, ऐसे टोल टैक्स जो पैसे पूरे कर चुके हैं उनको तो कम से कम हटा देना चाहिए। वैसे तो टोल टैक्स होना नहीं चाहिए, अगर लगा भी दिए थोड़ी देर के लिए, जब उसका उसका खर्चा पूरा है तो खत्म होना चाहिए। तो इससे पहले भी चुनाव लड़े जाते थे, तो इसी बार क्यों आपका मन हुआ कि चुनाव लड़ा जाए? पहले मैं जॉब में था, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। वहां से रिटायर होने के बाद मैंने ये जो मुद्दे चल रहे हैं टोल टैक्स वगैरह, आरक्षण, ये फ्री एजुकेशन, ऐसे मुद्दे देख के मेरा दिमाग में आया कि उन्होंने लोगों की सेवा करी है, इन लोग इनसे एक छुटकारा दिलाकर हम लोगों की सेवा करें, ताकि हर एक नागरिक को इसका फायदा हो। तो बीजेपी कांग्रेस देश को लूटती आ रही है, लोगों को पैसा लूटती आ रही है। अभी जैसे हमने को पता चला मोदी जी ने
जब नॉमिनेशन फाइल करी 1500 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आया, तो 1500 करोड़ रुपया किसका था? वो जनता का था। तो उन्होंने अपनी मर्जी से, एक जैसे आम आदमी जाता है, हम जाके नॉमिनेशन फाइल करके आए, वो क्यों नॉमिनेशन फाइल करके आए? क्यों जनता का पैसा ऐसे बर्बाद करें? अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां ये पैसा बर्बाद करना बंद कर दें, अरबों रुपया हमारा बर्बाद कर दें, तो हमारा देश एक सोने की चिड़िया, कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम हर एक को नौकरी मिलेगी, हर बंदा खुशहाल होगा। लेकिन ये अपने फायदे के लिए लूटते आ रहे हैं और अपना फायदा उठा रहे हैं, लोगों का फायदा कुछ नहीं कर रहे। हमारा डॉलर कहाँ का काम आ गया? अगर पोलिटिकल पार्टियां का बैन लगाया जाए इतना पैसा कैसे ले? आज भी 70 लाख खड़ा हुआ, 70 लाख बचने का क्या करें? क्या लाभ 70 लाख रुपया खर्च करके? अगर वो ये काम करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि ये काम इन्होंने करा तो वोट अपने आप लोग देंगे। ये अरबों रुपया बचा के देश को बचाया जा सकता है। तो सर, जैसे कि और बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, आम पार्टी है और कई पार्टीज हैं, क्या इन्होंने कभी भी जनता के हित में कार्य नहीं किए? आपके सामने कुछ भी कार्य, मोदी जी कहते हैं ये करा मैंने वो करा, अब आउटपुट निकाल के देखो आउटपुट क्या है 5 साल की। अगर ये मोदी जी साहब से 2014 में इन्होंने इलेक्शन जीता था, जो इनकी इमेज थी, अगर उस हिसाब से आप इनका 5 साल में काम करते रहोगे तो मेरे को नहीं लगता ये 15-20 साल तक और जा सकते हैं। लेकिन काम नहीं करा, जुमलेबाजी करी 5 साल में, इन्होंने यही कहा कांग्रेस ने ये नहीं करा, कांग्रेस ने वो नहीं करा। अगर कांग्रेस ने नहीं करा तभी तो लोगों ने आपको चुना था। अगर आप भी वही कह रहे हो कांग्रेस ने नहीं करा, आप भी चंडीगढ़ में आए परसों तो उन्होंने कहा गया कि इनके बारे में तो किनखेर के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, कांग्रेस को पोसते हुए चले गए। सो इन लोगों को पिछली सरकारों ने जो करा उसको छोड़ के खुद काम करें ताकि देश का भला हो सके, लोगों का भला हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। तो चुनाव प्रचार में आप लोग, आपके साथ किन किन लोगों का समर्थन है और आप कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं? हम अपने लेवल पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जैसे मैंने 4-5 आदमी मेरे साथ रहते हैं, हम लोगों से मिलते हैं हर तरह से, चाहे वो SC ST हो या कोई जनरल क्लास का हो, हमारे लिए जनरल मीन हमारे लिए हर कोई बराबर है। जातवाद हम हटाना चाहते हैं, सभी से मिलते हैं, उनको समझाते हैं अपना फायदा जनरल क्लास में या SC ST में क्या होता है, उसको समझा के उसके दिमाग में डालते हैं। उसके दिमाग में ये चीज़ आती है जो सरकारें हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए हमारे में जातवाद वाली जो अंग्रेजों वाली नीति थी वही लेके आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को मिलकर उसको हटाने की कोशिश करें। तो चुनाव के लिए आप अभी कितना एरिया चंडीगढ़ का कवर कर चुके हैं? हमने चुनाव के लिए तकरीबन हमारा 80% एरिया कवर हो चुका, थोड़ा सा रह गया, कुछ आज शाम को करेंगे, कुछ कल करके हम कोशिश करेंगे हमारा 100% एरिया कवर हो जाए, लोगों से इंटरेक्शन करके तो अपना मुद्दा रख सके। तो आप अंत में लोगों से क्या अपील करेंगे कि वो आपको वोट क्यों डालें? लोगों को यही कहेंगे अपने काम, हमारे काम को देखें, नया चेहरा देखें, हमने जो नीति है ना ही हमने किसी को पैसे देके वोट खरीदनी है, ना ही किसी को वोट देनी है, ना ही हमने किसी से पैसा लिया, जो थोड़ा बहुत अपने पास जमा किया हो उसी से पैसे खर्च करके हम कंपेन के लिए जाते हैं। तो लोग कहते हैं आपके चार पाँच बंदे हो आपको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? मैं कह नहीं, पैसे खर्चेंगे किसका होएगा? आज मैं पैसे खर्चूंगा कल को कमाने की कोशिश करूंगा, इससे अच्छा 4-5 बंदे जाके लोगों को समझाएं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा पैसा नहीं है, जो गवर्नमेंट का पैसा बचेगा तभी हमारा देश ऊपर जा सकेगा। तो ये थे हमारे साथ जनरल समाज पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार सतीश कुमार जी। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।